कश्मीर में मौसम बहार की अमद अमद है। जहां इस वक्त एक अलग और मुनफरिद रंगत हर चार सू देखने को मिल रही है, वही तारीखी हारी पर्वत के किले के दामन में वाका बादामवारी में बादाम के शगुफों ने हर तरफ सफेद और गुलाबी रंग बिखेर दिया है। 300 कनाल अराजी पर फैले हुए इस बाग में सैकड़ों बादाम के दरख्तों पर खिले फूलों की खूबसूरती और दिलकशी सयाहों को अपनी तरफ रागिब कर रही है। न सिर्फ यहाँ के मकामी बल्कि मुल्की और खैर मुल्की सयाह भी इस शगुफे भरे बाग की सैर व तफरी के अलावा इन पुरमसरत मनाजिर को अपने कैमरों में कैद करते देखे जा सकते हैं। बादाम के ये दरख्त इस वक्त एक खुशनुमा तस्वीर पेश करते हैं, वही इन पुरौनक नज़ारों का लुत्फ उठाने वाले मुल्की और खैर मुल्की सयाह कहते हैं कि इन्होंने बादाम के इन शगुफों का इस तरह का दिलकश मंजर पहली बार देखा है। I don't have any words to tell. That's that much beautiful place. We don't want to go any Switzerland or any other place. We had to come to Kashmir only. It's very safe after Corona. Actually, this is my first travel after Corona. So I thought that it will be some problems and all. Nothing was there. It's all safe in Srinagar airport only. Everyone was very helping. I done COVID test and all from airport only. It was free of cost. In our places and all, it's not free of cost. But here it was free of cost. And I came here. It was everything was safe. Everyone is helpful. Beautiful garden of Srinagar. That is my opinion. I think it's even more beautiful than Shalimar and Nishat. Okay. And it's so beautiful now that the almond is flowering. The Kashmiri are very hospitable, very helpful. I love it here. There's no day passing that I'm talking with the locals, and I enjoy that very much. बादाम के दरख्तों के साथ साथ इस बाग के बीचों बीच एक शानदार गुंबद और एक कुआं भी मौजूद है, जो कि वारिस खान के चाह के नाम से काफी मशहूर है। बादामवारी को साल 2008 में जम्मू कश्मीर बैंक ने बहाल करके तफरी का बना लिया था, जहां साल 2008 से कबल सयाह मई में यहां का रुख करना शुरू करते थे, वही अब बादामवारी और बाग गुलडाला की बदौलत सयाह मार्च के महीने से ही कश्मीर वारिद होते हैं, जहां मुल्क के मुख्तलिफ जगहों से आने वाले सयाह इस बाग की सैर करने में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। वही यहां के मकामी लोग भी बड़ी तादाद में बादामवारी के हसीन नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए आते रहते हैं। मुझे ये यूनिक लग रहा है क्योंकि मैंने आज पहली दफ़ा ये बाग देखा इधर, और ये मुझे डिफरेंट दूसरे बाग से बहुत डिफरेंट लगा सर, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया। नेचर ने कश्मीर को ऑलरेडी ब्यूटी से एक नवाजा है सर, तो हमें आना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हम नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी एंटरटेन किया यहाँ पे, अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ वहाँ से, और यहाँ पे कुछ अलग ही है, बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे, ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ पे, और ये जो कश्मीर में बाकी डिस्ट्रिक्ट से हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए। गुज़श्ते कल से अगरचे बादामवारी को सयाहों के लिए खोल दिया गया है, तमाम हफ्ते की शाम एक तमद्दुनी प्रोग्राम के इनेकाद के साथ ही सरकारी सतह पर बाग को खोले जाने का बाज़ाब्ता तौर ऐलान किया जाएगा। ईटीवी भारत के लिए श्रीनगर से परवेज़ुद्दीन की खास रिपोर्ट।